हमीरपुर की कहरो देवी के हुनर की हर कोई दाद देता नजर आता है, आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि कहरो देवी नाजुक आंखों में पड़े तिनके को पलक झपकते ही सुई चाकू और रुई से बाहर निकाल देती हैं। हमीरपुर के अणुखुर्द के निवासी कहरो देवी के इस अनोखे हुनर से हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है। अक्सर कहरो देवी के पास ऐसे मरीज पहुँचते हैं जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत अणुखुर्द की निवासी 57 वर्षीय कहरो देवी दशकों से आंखों में पड़े हुए तिनके को बाहर निकालने के लिए समाज सेवा में जुटी हुई हैं। कहरो देवी को खुद भी इस बात का पता नहीं चला कि उसे ये हुनर कैसे आ गया, लेकिन जब वह 13 साल की थी तो किसी की आंख में तिनका गिर गया था, जिसे निकालने के लिए उसने हामी भरी। बस तभी से लेकर आज तक कहरो देवी ने हजारों लोगों की आंखों को कुछ सेकंडों में दर्द से मुक्ति दिलाई है। कहरो देवी के पास बच्चों से लेकर बूढ़े युवा जब कराते हुए पहुंचते हैं तो चंद मिनटों में ही दर्द से छुटकारा पाकर जाते हैं। हालांकि कहरो देवी को भी जब कोई बुलाता है तो वो भी हाथ में अपनी स्पेशल किट लेकर समाज सेवा के लिए निकल पड़ती हैं। कहरो देवी का कहना है कि बचपन से ही भगवान ने उन्हें हुनर दिया है और कई बार तो आंखों का कहीं पर भी इलाज नहीं हो पाने के बाद भटकते हुए लोग पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर ही नहीं, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी के अलावा कई बार तो चंडीगढ़ से भी लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मरीज बिना ठीक हुए यहाँ से लौटा हो। सूज से निकालती, फिर चाकू से भी निकालती है। कहाँ सीखा आपने? मैं सीखे कुछ तो नहीं है, अपने आप 13 साल लगी कटना। तो कभी आपको डर लगता किसी की आँख खराब हो जाए? नहीं, कैसे डरने, कैसे डरती है मैं कहा ये उसने कटती है। तक वो कितना टाइम में आप आँख से निकालती? आधा मिनट सारे दे। चंबा, कांगड़े, सारे जगह जगह बिलासपुर से ऊना सारे थे। आप ठीक करने के बदले कुछ लेते, पैसे वगैरह लेते? नहीं नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। अपने के बाद आप किसी और को बताएंगे इसके? अपनी जो जो मर्जी सीखना चाहते, मेरा सीखना चाहते भी सीख सकता कोई नहीं। कहरो देवी के पास अंग का इलाज करवा चुके लोगों का कहना है कि जब भी किसी की आंख में कुछ गिर जाता है तो तुरंत कहरो देवी के पास इलाज के लिए आते हैं। आंख में तिनका गिरने के बाद इलाज करवाने पहुंचे राजीव कुमार ने बताया कि मेरी आंख में तिनका गिर गया था और डॉक्टर के पास जाने पर उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन कहरो देवी ने चंद मिनटों में तिनका निकाल दिया। डर नहीं लगता है आपको? नहीं, डर नहीं लगता है। हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को ऐसी ब्लड में हो जाता है। डॉक्टर को नहीं दिखाते यहाँ पे लोग? नहीं जी। तो ये चाकू और जैसे जो सुई से निकालते हैं तो कभी लगता नहीं कि आंख खराब हो जाएगी? नहीं जी, नहीं जी, नहीं के कोई भी खराब ना हो इसका ना, तो हम इसके पास आते हैं। आंख में गिरा था 2-3 महीने पहले, फिर इन्होंने निकाला था कहरो देवी ने। आपको कैसे पता लगा कि ये आंख से निकालते हैं? मेरे को पता लगा था, मेरे घर के बगल में ही इनका घर ना, तो मेरे को तो पता ही था, तो मैं इनके पास ही गया था। डॉक्टर साहब ने मना किया कि ये निकलेगा, ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने जो काम डॉक्टर साहब नहीं कर सके वो उन्होंने किया। तो आपको डर लगा कि जैसे सुई और चाकू से? मेरे को डर नहीं लगा इसके बारे में जी। ये बड़े पुराने हैं और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और कख वगैरह निकालते हैं ये अच्छी तरह। और क्या लगा आपको, लगता है कि जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पे ठीक हो जाते हैं? हॉस्पिटल में भी कई बार हम जाते हैं तो उनकी दवाई से भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। फिर जाके इन स्किन के बाद चेक करवाया और इन्होंने निकाला, तो उसके बाद जो है वो आंखों की ठीक, मतलब आंखें ठीक रहती थी हमारी। ऐसा ये आप सुई और चाक्कू से निकालते हैं रुई से, तो कभी डर नहीं लगता है यार ट्रीटमेंट करवाने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तो कि ये निकाल देंगे। और ये काफी साल से निकालते हैं और काफी साल से इन्हें एक्सपीरियंस है। गौरतलब है कि दशकों से कहरो देवी समाज सेवा के भाव से इस तरह अपने हुनर का प्रमाण दे रही हैं। चाहे आज के समय में विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर गया हो, लेकिन फिर भी डॉक्टरों से ठीक ना होने पर कहरो देवी आंखों में दर्द होने पर तुरंत इलाज के लिए एकमात्र सहारा बनती है, जिस कारण दूर दूर से लोग इलाज के लिए रोजाना पहुँचते हैं।